हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको इस क्लास में डिफरेंशिएशन की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं। बट डिफरेंशिएशन में आपको एक बात बता दूं, डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी तरह एप्लीकेशन बेस्ड है, बट फिर भी इसमें कुछ यूनिक शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको ज़रूर बताऊँगा जो आपके बहुत काम आएंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत गजब की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। आप लोगों ने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के होते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, वो आपके स्कूल में भी था और कंपटीशन में भी आया हुआ। क्या, इफ एक्स इक्वल टू ए की पावर साइन इनवर्स टी, वाई इक्वल टू ए की पावर कॉस इनवर्स टी। आप लोगों को जरूर याद होगा ये, और आप लोगों को बताना होता था इसमें डी वाई बाई डी एक्स। करने का तरीका क्या होता है, पहले डी एक्स अपॉन डी टी निकालो, फिर डी वाई अपॉन डी टी निकालो, फिर भैया दोनों को डिवाइड करो, एलिमिनेशन करो, आंसर आता है। पर मैं आपको तूफानी तरीका बता रहा हूँ, तूफानी। जब भी आपके पास ऐसा आएगा, और ये मेरा एक सजेशन है बेटा, रिक्वेस्ट है, जब भी आप शॉर्ट ट्रिक्स करो यार, वीडियोस को पॉज करके जरूर ट्राई करो, क्योंकि जब आप अपने मेथड से ट्राई करोगे और फिर ये मेरा मेथड देखोगे तो आपको सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा, और जब खुद ट्राई करेंगे एक बार और फिर देखेंगे अरे ये कैसा हो गया, उसमें अलग मज़ा आएगा। चाहे 10 मिनट लगे कोई दिक्कत नहीं है, सीखने को उतना ही ज़्यादा मिलेगा जितना टाइम आप लगाओगे। ठीक है, चलो जी। तो बेटा हमें डी वाई बाई डी एक्स बताना है। एक तो गंदा तरीका है जो हम स्कूल में करते थे और बुकों में मिलता है और टीचर्स हमें बताते हैं, मैं आपको तूफानी तरीका बता रहा हूँ जैसे हमेशा बताता हूँ। आपको पता है कि साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी पाई बाई टू होता है, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी पाई बाई टू होता है। ठीक है, तो जब भी आपके पास ये होगा, जब भी आपके पास ऐसा होगा तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी पाई बाई टू होता है। पर ये बनी नहीं रहा, बना दो यार, अपने घर की खेती है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इधर की इधर की मल्टीप्लाई और इधर इधर की मल्टीप्लाई। ठीक, तो कितना हो गया ये, भाई गुणा में पावर जुड़ती है ना, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, अंडर रूट में चला जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, बस हो गया काम अपना खत्म, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी पाई बाई टू आ गया। ए की पावर पाई बाई टू, ठीक है, कॉन्स्टेंट हो गया, डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है, तो क्या आ गया, बिल्कुल यूनिक शॉर्ट ट्रिक है यार ये, कहीं नहीं मिलेगी मेरी गारंटी है। ठीक है, आज के बाद अगर मिल जाए तो आप, मैं कह नहीं सकता, आप लोग खुद समझदार हैं। अब कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कॉमन, जो आप लोगों को मिल भी जाएंगे और आप लोग खुद भी सोच सकते हो, बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, वो लोग उसको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं पर उसको शॉर्ट ट्रिक नहीं कहता, फिर भी आपको बता दूं, छोटा हो जाता है उससे क्वेश्चन, है ना, पर एक वो सिंपल सी लॉजिकल सा क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन आता है इस टाइप से, आपने देखे होंगे, है ना, या फिर ऐसा हो जाए, है ना, या फिर ऐसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब कहने का मतलब है भैया यहां हाथी प्लस अंडर रूट हाथी प्लस अंडर, इस तरीके से होता चला जाए। करने का तरीका क्या होता है यार, इसको वाई मान लेते हैं हम लोग, फिर वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई हो जाता है, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं और आंसर आ जाता है। इसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक जो होती है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, आप करोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। इसका जो डिवाइड बाय डीएक्स होगा हमेशा, वो क्या होगा, नीचे तो आपको हमेशा 2y माइनस 1 करना है, क्योंकि जब उधर जाता है स्क्वायर आता है तो बचता है 2y माइनस 1 डिफरेंशिएट करने के बाद। ऊपर क्या करना है आपको, बहुत सिंपल सी बात है, जो फंक्शन रिपीट हो रहा है बार बार, सेम होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए, तो उसका डिफरेंशिएशन मार दो ऊपर। साइन एक्स है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, एक्स का 1, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ गया इस केस में, इस वाले केस में 1 अपॉन एक्स आ जाता और इस वाले केस में 1 आ जाता। तो जब भी हमारे पास एडिशन में कोई भी फंक्शन हो, हाथी घोड़ा कुछ भी, सेम होना चाहिए, हाथी 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 घोड़ा घोड़ा घोड़ा, ठीक है, तो ऊपर वाला डिफरेंशिएशन, नीचे 2y माइनस 1। ठीक है, कॉन्सेप्ट है छोटा सा, अगर आप खुद इसको एक बार ट्राई करेंगे तो भी कर देंगे। ऐसे एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर इस तरीके से होता है, उसे भी खुद ड्राइव करो तो वो भी आप खुद ही निकाल दोगे। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शॉर्ट ट्रिक वो बहुत गजब थी, जब भी आपका टी वाला आए, पैरामीट्रिक आए, तो टी को उड़ा दो, और जब टी को उड़ा दोगे तो एक फंक्शन बन जाएगा, एक रिलेशन आ जाएगा एक्स और वाई में, और उसको डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं, और जरूर मुझे बताना जो पहली वाली शॉर्ट ट्रिक थी वो कैसी लगी आपको,
ओके बच्चों, फिलहाल के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।